नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लूट मनी में। इस वीडियो में बताऊंगा 7 न्यू खतरनाक लूट, जिससे फ्री में 2100 रुपये, 2300 रुपये, 2500 रुपये, 2000, 3400, 2200, 1400 रुपये का पेटीएम कैश मिलेगा। बिल्कुल 7 की 7 लूट खतरनाक हैं, गलती से मिस मत करना है। प्लस जो आपको मेन पार्ट बताता हूँ, मेन चीज बताता हूँ, वो आप मिस कर जाते हो, प्लस आप अर्निंग नहीं कर पाते। इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो को पूरी देखना, जिससे आपको समझ में आ सके, प्लस आप अर्निंग कर सको। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले बता दूँ, यदि आप यहाँ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने का बेल आइकन का आइकन उस पर क्लिक कर दीजिए। उससे प्रॉफिट उसमें कोई भी लूट बुरा तो सब पे नोटिस पाए, 5-10 सेकंड। इसलिए जैसा पता है, जो भी लूट आती है हमारे चैनल पे आती है, जो कोई देने से, इसलिए बोल रहा हूँ जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब नहीं करता आपका लॉस होने वाला। और यदि हम टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन करने के हमारे लिंक में डिस्क्रिप्शन में कैन सर्च LOOTLOOTMONE, यहाँ पर क्लिक कर दो, फिर यहाँ पर ज्वाइन को ऑप्शन आएगा, यहाँ ज्वाइन हो जाना। यदि हमारे टेलीग्राम चैनल पर तो आपका बहुत बड़ा प्रॉफिट हो रहा होगा, बहुत बड़ा प्रॉफिट क्यों होगा, जैसे पता है जो भी लूट आती है, कोई लूट की अपडेट आते हैं, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर बता देता हूँ। मैं आपको 10-15 दिन में ऐसे मोटिवेशन स्क्रीनशॉट देता रहता हूँ, जो अपने ड्रीम यूजर ड्रीम पूरे करते हैं, और भी बहुत सारे जिसके अपडेट देता रहता हूँ। इसलिए बोल रहा हूँ टेलीग्राम चैनल को तो मस्ट ज्वाइन करके रख लो, जो कोई शॉर्ट टाइम लूट आती है, शॉर्ट टाइम अपडेट आता है, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल बताता हूँ। ठीक है, तो अब आती है फर्स्ट लूट की बारी। फर्स्ट लूट बताने से पहले भाई प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देखो, लाइक का और कुछ नहीं चाहिए उसमें, लाइक कर, और एक लाइक करने में ज्यादा 1 से 2 सेकंड लगता है, और आपको अर्निंग भी होती है, प्लस मुझे मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं आपको फ्यूचर में और खतरनाक लूट, यूनिक लूट ला सकूं। ठीक है, तो लाइक इस बात पे कर देना, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग क्यूकॉइन से ले रहे हैं। प्लस आपका पेमेंट आ गया विक्टोरियम, जैसे क्या होता है 60 विक्टोरियम टोकन का सबका पेमेंट आ गया। ठीक है, जिसने सारे टास्क कंप्लीट कर लेते अच्छी तरह से, ठीक है, मैनुअली चेक कराया उन्होंने। उसके बाद मैं आज बताने वाला हूँ प्लॉट एक्स की लूट बताने वाला हूँ, अगेन एक ट्रिक बताने वाला हूँ, प्लस मैं एक आपको बग बताने वाला हूँ। ठीक है, प्लस आप एडेक्स और आपको पता है की तो दोनों पंप कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला था पंप कर गया। ठीक है, एडेक्स $250 और की हो गया आपकी $150 क्रॉस। ठीक है, तो बस लाइक कर दो। एक और चीज़ आपको इंपॉर्टेंट बताता हूँ, बहुत सारे यूज़र ये पूछते हैं भाई मेरे से, भाई आप मेरे को रिप्लाई क्यों देते हैं, वो नहीं देते भाई। आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप है ना अपने खुद पे रख के दे दो। देखो एक चीज़ आपको, देखो सपोज करो आपको 10 मिनट में 1 घंटे में आते हैं 400 से 600 मैसेज आते हैं, तो भाई आप कितनों को रिप्लाई कर पाओगे? ज़्यादा आप 20-50 बंदों से ज़्यादा रिप्लाई नहीं कर पाओगे। भाई मैं आपको बात बता देता हूँ भाई, आप मैं सबको रिप्लाई नहीं कर सकता, थोड़ी बात मेरी फीलिंग समझो, अपने पे रख कर समझो। यदि आपके पास सेम मैसेज आते हैं तो भाई आप कितने को रिप्लाई करोगे? भाई मेरे पर एक ही काम नहीं है, एयर ड्रॉप फाइंड करना होता है, मेन चीज़ तो यही है, प्लस भाई घर पे भी फैमिली टाइम देना पड़ता है, बहुत एक ही काम नहीं है दुनिया में यार, बहुत काम है, इसलिए थोड़ा समझे करो। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, जो भी अभी ग्रुप में ज्वाइन नहीं है डिस्कशन ग्रुप में, तो भी उनको मैं लिंक पब्लिक कर दूंगा 25 या 26 तारीख को दे दूंगा, तो वहाँ पर ज्वाइन हो जाना डिस्कशन ग्रुप में, प्लस वहाँ पर हेल्प मांग लेना। सारे यूजर मतलब अच्छे हैं, हेल्प वेल्प कर देते हैं अच्छे से, मतलब थोड़ी मजे भी लेते हैं। ठीक है, तो बस आप थोड़ा बहुत समझे करो, बस मैं अब यार सबका रिप्लाई नहीं दे सकता, बस यही दिक्कत है। ठीक है, जितना हो सकता था मैं उतना रिप्लाई देता हूँ बस। ठीक है, तो अभी आती है फर्स्ट लूट की बारी। भाइयों जो आपको फर्स्ट लूट करनी है ना, वो आपको क्या करनी, वो करनी है वो की वाले ब्राउजर में लिंक करना, कॉपी करने पेस्ट करने के बाद आप इस वाले पेज पर आ जाओगे। ठीक है, इस वाले पेज पर ना ये आ रहा है टेस्ट नेट का एयर ड्रॉप, बस आपको अभी तो पार्टिसिपेट करना है और कुछ नहीं करना, और भी जो भी इसकी बाद में आएगी 1 महीने बाद, 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, तो मैं अपडेट दे दूंगा। ठीक है, तो कैसे करना पड़ेगा, सबसे पहले की वाले ब्राउजर में आके की वाले ब्राउजर में यहाँ पे कनेक्ट टू ऑपरेट पर क्लिक करना, उसके यहाँ पे मेटामास्क कनेक्ट करना, उससे पहले यहाँ पे इसको डेस्कटॉप वर्जन में करना, जिससे आपका व्यू अच्छा सा दिखे वेबसाइट का। ठीक है, तो जैसे मैं डेस्कटॉप वर्जन पे कर लेता हूँ, कनेक्ट टू वर्ड पे क्लिक करता हूँ, मेटामास्क पे क्लिक करता हूँ, मेटामास्क पे क्लिक करें, एक मेरे पास पहले तो अनलॉक करने का ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पे अनलॉक कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो भाई जैसे मैंने अनलॉक कर लिया, अनलॉक करने नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, कनेक्ट पे करता हूँ, कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद ये मेरा कनेक्ट नहीं होगा। क्यों कनेक्ट नहीं होगा? क्योंकि इसमें एक अलग से कस्टम आरपीसी आपको ऐड करनी पड़ेगी। देखो ऑटोमेटिक भी ऐड हो जाएगी, ऑटोमेटिक कैसे ऐड होगी, दोबारा मेटामास्क पे क्लिक करना, एक दोबारा कन्फर्मेशन की टाइप में कुछ आएगा, तो यहाँ पे मेटामास्क पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक यहाँ पर नेटवर्क नेम आ गया, नेटवर्क URL आ गया, कुछ सब चीज़ मतलब ऑटोमेटिक आ गया, बस आपको सेव करने की जरूरत है, मतलब अप्रूव करने की जरूरत है, बस आपका काम हो गया। कहता हूँ यहाँ पे स्विच नेटवर्क कर लेता हूँ, तो मेरा यहाँ पे स्विच हो जाएगा मल्टीपल टेस्ट नेट वाले कस्टम आरपीसी नेटवर्क में। ठीक है, अब दोबारा आता हूं मैं अपने वेबसाइट में यहां पे मेरा कनेक्ट हो चुका। कनेक्ट होने के बाद अब मैं आपको एक और लिंक दूंगा, जिसका नाम है फॉसेट लिंक के नाम से होगी। ठीक है, क्योंकि जो हमको टेस्ट नेट टोकन चाहिए इथेरियम के, वो है ना फॉसेट लिंक से ही मिलता है, आपको पता ही है। ठीक है, तो मैं फॉसेट लिंक दूंगा, तो उसको न्यू टाइम में आना, न्यू टाइम में फॉसेट लिंक कर देना पेस्ट। पेस्ट करने के बाद दोबारा अपना मेटामास्क जाके अपना इथेरियम का एड्रेस करना, कॉपी करने यहां पे पेस्ट कर देना, उसके बाद यहां पे आपके जो भी इथेरियम जैसे 0.1 या 1-2 इथेरियम यहाँ पे आपके फॉसेट के रूप में दे देगा। ऐसे यहाँ पे मैं इथेरियम ले लेता हूँ, फिर आपको आगे बताता हूँ।
तो भाइयों जैसे मैंने अपने फर्स्ट सेट की थीरियम मैंने ले लिए उसके क्या करता हूँ, उसके दोबारा जाता हूँ मैं अपनी मेन वाली वेबसाइट, नहीं तो फिर इधर से क्या कर सकते हो ठीक है। तो ऐसे मैं एक और बार रिफ्रेश करता हूँ जिससे थोड़ा रिफ्रेश हो जाए, जो भी मेरे टेस्ट नेट के टोकन आए वो यहाँ पे शो कर जाएंगे ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा होगा, इसे मैं पहले कनेक्ट करता हूँ। जैसे भाई फिर आपके यहाँ पे क्रिएट वर्कर्स को ऑप्शन आएगा यहाँ पे ठीक है। क्रिएट वर्कर्स पे क्लिक करना, उसका एक कंफर्मेशन आएगी, एक कंफर्मेशन को कर देना कंफर्म। उसके क्या करना पड़ेगा, उसके यहाँ पे न्यू पोजीशन पे क्लिक करना, न्यू पोजीशन पे क्लिक करना, यहाँ पे आपके एक पूल आएगा। एक पूल कौन सा आएगा, यूएसडीसी और इथेरियम। तो यूएसडीसी इथेरियम पे क्लिक करना, यूएसडीसी इथेरियम पे क्लिक करना, यहाँ पे आपको मिनिमम प्राइस कितना डालना चाहते हो। तो जैसे मैं मिनिमम प्राइस डाल लेता हूँ, मेरे पास आए 5 इथेरियम आए थे फर्स्ट सेट में, तो मैं डालता हूँ यहाँ पे अवेलेबल में आपके यूएसडीसी कितने 1,00,000 करीब है, उसका इथेरियम कितने आपके 100 इथेरियम। तो उस हिसाब से आप डाल दो मिनिमम प्राइस, तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 5 डालता हूँ ठीक है, 500 डालता हूँ ठीक है, 500 डाले यहाँ पे मैक्सिमम प्राइस डालता हूँ मैं यहाँ पे डालता हूँ मैं 1,000 डाल देता हूँ ठीक है। 1,000 डालने के बाद फिर मैं कर देता हूँ इसको कन्फर्म ठीक है। कन्फर्म करने के बाद उससे पहले बोल रहा हूँ मार्केट प्राइस से आउटसाइड, तो मतलब ये आउटसाइड हो गया, तो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत कम कर देता हूँ। ऐसे आप थोड़ा कर मैं करता हूँ 200 कर देता हूँ, उसके यहाँ पे करता हूँ 300 ठीक है। उसके यदि जब भी नहीं होता है तो फिर आप 100-300 कर देना, ऐसे के साथ अब भी नहीं हो रहा तो फिर यहाँ पे मैं कर देता हूँ यहाँ पे 50 और 100 कर देता हूँ ठीक है। अपने हिसाब से देख लेना, जैसे कि जब होता है तो बस कर देना ठीक है। यहाँ पे जैसे कि अब थोड़ी देर के अंदर ये हो जाएगा उसके बताता हूँ। तो भाई जैसे मैं 39 और यहाँ पे 50 जाता हूँ, उसके यहाँ पे एड लुकिट पे क्लिक करता हूँ, कन्फर्म करता हूँ, कन्फर्म पे क्लिक करें, कन्फर्मेशन आएगी, उसको मैं यहाँ पे कराता हूँ कन्फर्म। कन्फर्म कराया मेरा यहाँ पे सक्सेसफुल है, पूल में लग जाएगा। पूल में लगने के बाद अब आपने एक में लगा दिया, ये तो अभी यूएसडीसी ठीक है, यूएसडीसी में लगा दिया आपने 10,000 करीब लगा दिया ठीक है। उसके बाद आप इथेरियम में ला सकते हो थोड़ी देर के अंदर, इससे आप दो पूल में ला देना, एक तो यूएसडीसी में ला देना, ऐसे कि दो पूल हैं इसमें यूएसडीसी और इथेरियम के पेयर में ठीक है। तो फर्स्ट यूएसडीसी के में ला देना, सेकंड इथेरियम में ला देना, तो आपके यहाँ पे लग जाएगा ठीक है। तो यहाँ पे मैं ट्रांजेक्शन यहाँ पे फेलियर थोड़ी देर के अंदर, और दोबारा ट्राई करोगे अपने अच्छी तरह से ट्राई करोगे तो हो जाएगा। ये दिक्कत आती है ना, तो भी आप 10 मिनट बाद 20 मिनट बाद ट्राई कर लेना। वैसे देखो मैंने 3 अकाउंट में था, एक बार ट्रांजेक्शन फेल हुआ था, फिर दूसरी बार कराता तो फिर हो गया था ठीक है। तो बस अभी तो आपको मतलब आपको पूल लगाना है और कुछ नहीं करना है, मल्टीपल जो ये है मल्टीपल प्रोजेक्ट है ना इस नाम से, तो बस अभी तो इसमें आपको पूल लगाना है और कुछ नहीं करना है ठीक। तो बस फर्स्ट वाले एयर ड्रॉप में था, अब आती है सेकंड एयर ड्रॉप की बारी। भाइयों मैं सेकंड एयर ड्रॉप सेकंड लूट में बताने वाला हूँ plotx.io की तरह। जैसे आप पता है भाई plotx इतने सारे प्रूफ आ रहे हैं ना मेरे पास, किसी ने 300 किसी ने 400 मिनिमम 300 रुपये अर्न करना है, सॉरी 400 रुपये ठीक है, 400 रुपये से भाई 9,000 रुपये के बीच में प्रूफ प्लस स्टिल मतलब लूट रहे हैं लोग जिसने ऑलरेडी अकाउंट बना रखे हैं ठीक। तो भाई अब इस वाली वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे आपको दोबारा अर्निंग करनी है, कैसे आपको लूटना है। सबसे पहले आपको आ जाना है किसी वाले वॉलेट में, जैसे कि आपके पास पड़ा होगा ट्रस्ट वॉलेट, सेपल, एटमिक वॉलेट, मेटामास्क और दुनिया भर के 2-3 वॉलेट पड़े होंगे ठीक है। अब उससे पहले मैं आपको दो चीज बताऊंगा, सबसे पहले टर्म्स एंड कंडीशन समझा देता हूं। टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, सबसे पहले टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि भाई आपको प्लॉट टोकन जब ही मिलेंगे, बग तो अभी समझाऊंगा बाद में, प्लॉट टोकन आपको जब ही मिलेंगे जब आपके उस वाले वॉलेट में 5 इथेरियम के ट्रांजेक्शन होंगे, और का मतलब क्या है, तीनों में से कोई एक, तीन चीज बता रहा हूं, 5 इथेरियम के ट्रांजेक्शन होंगे, नहीं तो फिर 10 पॉलीगोन मैटिक के ट्रांजेक्शन होंगे, नहीं तो फिर 10 बीएससी के ट्रांजेक्शन होंगे। मतलब इन तीनों में से आपको एक काम मतलब जुलाई से पहले 10 ट्रांजेक्शन होने चाहिए ठीक है। अब जैसा पता है कि भाई मैं एयर ड्रॉप आपको कब से बता रहा हूँ, मैं एयर ड्रॉप बता रहा हूँ मैं आपको 1 से 1.5 साल पहले से। अब जैसे आप पता है इजीली यार 5-10 दिन में 10 ट्रांजेक्शन हो जाते हैं, 100% बोल रहा हूँ, 100 से 100% ईजिली आपको यहाँ पे प्लॉट टोकन मिल जाएंगे ओल्ड अकाउंट में, ओल्ड ट्रस्ट वॉलेट में, सेपल में, एटमिक वॉलेट में, यदि आपने 10 ट्रांजेक्शन बीएससी करें हो, कैसे भी सेंड करें हो, स्वैप करें हो, कुछ भी करें हो, ट्रस्ट ट्रांजेक्शन होने चाहिए ठीक है। अब सबसे पहले क्या बात है, सबसे पहले मैं किसी ट्रस्ट वॉलेट में आ गए या जहाँ पे भी आप अपने 10 ट्रांजेक्शन करें बीएससी की या पॉलीगोन के मापे आ गए ठीक। उसके यहाँ पे डेब ब्राउजर में आना, किसी डेब ब्राउजर में आना, उसके मैं आपको लिंक दूंगा plotx.io की, इस लिंक कर देना पेस्ट। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है नेटवर्क पॉलीगोन नेटवर्क ठीक है। पॉलीगोन नेटवर्क सेलेक्ट करना, यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा साइन अप विद 350 रुपये बोनस, यहाँ पे साइन अप विद 350 रुपये बोनस पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखो यहाँ पे बोल रहा है कि साइन अप बोनस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एलिजिबल वेब 3 वॉलेट, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ईमेल आईडी से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो अब मैं करता हूँ मेटामास्क से क्लिक ठीक है, मेटामास्क पे क्लिक करता हूँ, कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो कैमरे में देखता हूँ मैं यहाँ पे एलिजिबल हूँ या नहीं, देख सकते हो मुझे आपके सामने लाइव करके दिखाया, मुझे 20 प्लॉट टोकन आपके सामने रिसीव हो गए हैं ठीक है। मैं बोल रहा हूँ 100% सबको रिसीव हो गए होंगे जो मेरा एयर ड्रॉप कर रहे हैं, मेरे कम से कम लास्ट एक मंथ से कर रहे हैं ना अच्छी तरह से, तो इजिली 100% आप विन कर जाओगे, मतलब विन कर जाओगे 20 प्लॉट टोकन। अब इनका क्या यूज, दोबारा मैं यूज बताता हूं, उससे पहले थोड़ा बहुत समझाता हूं, टिप्स एंड ट्रिक बताता हूं।
सबसे पहले आपको इनको क्या यूज़ करना है, मार्केट में आना है। मार्केट में आने आपको बहुत सारे टोकन यहाँ पे दिख जाएंगे, यहाँ पे जैसे कि सोल हो गया, इथेरियम हो गया, मैटिक हो गया, दुनिया भर के यहाँ पे कॉइन दिख जाएंगे। तो आप जैसे कि आप किस पे लगाना चाहते हो उस पे लगा सकते हो। जैसे कि मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, नीचे नीचे आओगे ना यहाँ पे दिख रहा है वीकली वीकली वीकली, अब आपको लगाना है डेली पे, डेली पे लगाना है। डेली पे क्यों लगाना है, डेली से क्या होगा, डेली से क्या होगा भाई, आज से कि आप अभी लगाओगे ना तो एक से डेढ़ घंटे बाद आपका प्रिडिक्शन बता देगा कि आप जीतते हो नहीं जीतते हो। अब इसमें क्या है, जैसे कि मैं आप करता हूँ बीएनबी पे, ठीक है, बीएनबी पे लगाना चाहता हूँ। बीएन मेरे पास है 20 प्लॉट टोकन मेरे पास है, ठीक है। अब मैं बीएनबी पे क्लिक कर देता हूँ, उसका थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है। उसके यहाँ पे मैं करता हूँ बाय टू डेज, बाय जैसे यहाँ पे बाय टुमारो आ रहा है, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे टू डे का ऑप्शन आ रहा होगा, बाय टू डे 2:20 PM, मतलब ओनली एक से डेढ़ घंटे के अंदर मुझे बता देगा आप बिन करे होने का। अभी करंट प्राइस इसकी चल रही है $486.48। आपको क्या लगता है कि भाई एक घंटे के अंदर ये $481 से अप जाएगा, तो 20 प्लॉट टोकन इस पर लगा दो। आपको लगता है कि 470 से 481 के बीच में रहता है तो आप इस पर लगा दो। ये भी आपको लगता है 470 से नीचे जाता है तो फिर आप इस पर लगा दो। मुझे लगता है कि भाई $481 से ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, मैक्स 20 पे क्लिक करता हूँ। उसके यहाँ पे आपको की पोटेंशियल बिनिंग दिखा देगी भाई कितने जीतो। ऐसा नहीं कि भाई आप बीएनबी पे लगाओ, आप मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सब मैंने एक कॉइन पे मत लगाने लग जाना। यदि एक कॉइन पे लगाओगे तो भाई उसके यहाँ पे जो भी इनका होता है रेट होता है, करंट पूल होता है, वो घट जाता है। तो भाई आप लगाना सोल पे, कोई बीटीसी पे, कोई इथेरियम पे, कोई मतलब बहुत सारे कॉइन है, कम से कम 20-50 कॉइन है, तो उन पर किसी ना किसी पे लगा देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ, उसके यहाँ पोटेंशियल बिनिंग में 68 रुपये प्लस मेरे यहाँ पे 20 और आ जाएंगे, तो फिर आप उसको विड्रॉ कर सकते हो। नो मिनिमम विड्रॉ, कुछ ही मिनिमम विड्रॉ नहीं है भाई, इजीली अर्निंग कर सकते हो। और जितने अकाउंट में लेना चाहते हो ना उतने अकाउंट ले लो, लेकिन आप कैसे लेना चाहते हो मैं बताता हूँ। सपोज करो आपने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे अपने बहुत सारे यहाँ पे ऐड कर रखे, यहाँ पे वॉलेट यहाँ पे ऐड कर रखे, इंपोर्ट कर रखी की, ठीक है। लेकिन आप वो सेकंड टाइम लेने के लिए आपको यहाँ पे दोबारा क्लिक नहीं करना है, क्योंकि फिर ये मतलब यहाँ पे सक्सेसफुल यहाँ पे मिलेंगे नहीं। अब क्या करना पड़ेगा, आप डू मल्टीपल स्पेस में ट्रस्ट वॉलेट का क्लोन बना लो, ठीक है। नहीं तो फिर आप डायरेक्ट ऐप का क्लोन बना लो ट्रस्ट वॉलेट का, ठीक है। मतलब आप कहने का मतलब ये यहाँ से नहीं करना, नहीं तो फिर ट्रैक कर लेगा आपका ये आईपी, ठीक है। कहने का मतलब ये आपको अलग अलग ऐप से करना है, कहने का ठीक। अब आती है बग की बारी, बग ओनली कभी कभी वर्क करता है, कभी कभी नहीं करता। तो भाई मेरे हिसाब से बग ट्राई करना था तो ट्राई कर भी सकता हूँ। बग क्या है, मैं देखो तीन अकाउंट में ट्राई कर रहा था, तीनों में दो अकाउंट में सक्सेसफुल यहाँ पे वर्क कर गया। अब बग वर्क क्या कर गया, ऐसे कि इन्होंने बोला था कि ओनली उन्हीं को मिलेगा जिसने 30 जुलाई या कुछ दिन के कुछ मंथ बताया ने, ओनली उसी को मिलेगा जिसने ट्रांजेक्शन कर रखा है। अब देखो इसमें बग क्या है, यदि आप न्यू अकाउंट बनाओगे ना ट्रस्ट वॉलेट का या किसी वॉलेट का, एटॉमिक वॉलेट का, तो उसमें आप 10 ट्रांजेक्शन कर दोगे बीएससी के या पॉलीगॉन के, सेंड किसी को सेंड करोगे अपने वॉलेट पे, दूसरे वॉलेट पे 10 या 12 ट्रांजेक्शन करोगे, तो फिर आपको कभी कभी ऐसा हो रहा है कि 20 प्लॉट टोकन न्यू अकाउंट पे भी मिल रहा है। लेकिन यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यदि नहीं वर्क करता है ना बग तो फिर आप छोड़ो, क्योंकि ओल्ड यूजर तो हमारे बहुत सारे बड़े पड़े हैं जिसके पास 10 अकाउंट, 15 अकाउंट, 5 अकाउंट, 25 अकाउंट यहाँ तक हैं। सब तो सब वॉलेट को मिला के मेटामास्क और यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट, एटम वॉलेट, ठीक है। तो बस इजीली आप अर्न कर लोगे 2-5-10 हज़ार रुपये यदि आप अच्छी तरह से यहाँ पे प्रिडिक्ट करते हो, बिल्कुल इजीली प्रिडिक्ट कर लोगे। यार एक घंटे का काम है, यदि आप 1 बिग वाले पे करते हो तो फिर आपको ज़्यादा अर्निंग होगी, ठीक है। तो अपने हिसाब से कर लेना। तो सेकेंड एयर ड्रॉप में इतना था, बाकी थर्ड एयर ड्रॉप की बारी। भाइयों थर्ड एयर ड्रॉप की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा, मैं दूंगा टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम में आने से सबसे पहले आपको अपने किसी ब्राउजर में आ जाना, जहाँ पे भी आप solid.io को ओपन करते हो, ठीक है। solid.io को ओपन करने में सबसे पहले मैं पासवर्ड डालता हूँ, पासवर्ड डालने का फिर आपको बताता हूँ। तो भाइयों जैसे मैंने अपना पासवर्ड डाल के अनलॉक कर लिया, अनलॉक करने में यहाँ पे आपको सोलाना का लोगो दिख रहा होगा, तो हमें अपने सोलाना के लोगो पे क्लिक करना है। उसके यदि आपके मैं यहाँ पे ये वाला सेलेक्ट होगा, ठीक है, तो फिर आपको थर्ड नंबर पे देवनेट वाला सेलेक्ट कर लेना है नेटवर्क, ठीक है। तो हमें देवनेट का नेटवर्क सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद क्या पड़ेगा, उसके न्यू टैब में आना, न्यू टैब में आने फिर मैं आपको एक और लिंक दूंगा, वेबसाइट लिंक या किसी नाम से होगी, तो उसको यहाँ पे करना कॉपी, उसके बाद कर देना पेस्ट। पेस्ट करने के बाद फिर आप इस वाले पेज पे आ जाओगे, उसके यहाँ पे कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करना है। कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करना है, आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है solid.io से अपना वॉलेट कनेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर आपको आगे बताता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे कनेक्ट करो ना, कनेक्ट करने का फिर आपको जब ये एयर ड्रॉप वाला ऑप्शन जब ही आएगा, जब आप यहाँ पे भी नेटवर्क सेलेक्ट करोगे देवनेट। अब देवनेट से नेटवर्क कैसे सेलेक्ट करना है, यहाँ पे नीचे क्लिक करना है, उसके यहाँ पे चेंज नेटवर्क ऑप्शन आएगा, तो यहाँ मेन नेट होगा, तो यहाँ पे देवनेट सेलेक्ट करना है। उसके यहाँ पे आपके ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे एयर ड्रॉप का। एयर ड्रॉप का आने के बाद यहाँ पे आपको कौन कौन से टेस्ट नेट के देवनेट के टोकन क्लेम करना है, तो यहाँ पे चाहो तो आप ऐसे कि 5 टोकन है, सॉरी यहाँ पे 6 या 5 टोकन है, तो यहाँ पे चाहो तो आप सोल क्लेम कर सकते हो, USDC भी कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से देखो मेन हमारा काम कौन सा है, मेन हमारा काम है USDC
और है USDT और यहाँ पे है आपका बस। और यहाँ पे सोल क्लेम करना, तो सोल भी क्लेम कर सकते हो। अब कैसे क्लेम करना है, क्लेम पे क्लिक करना है, क्लेम पे क्लिक करें यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट एक एयर ड्रॉप आएगा, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एक सोल मिल जाएंगे, ठीक है, एक सोल या दो सोल मिल जाएंगे। उसके दोबारा क्लेम पे क्लिक करना है USDC। लेकिन USDC कैसे क्लेम होंगे, USDC क्लेम करने के लिए आपको करना पड़ेगा वेरीफाई ऑन ट्विटर। वो कैसे करोगे, वेरीफाई ऑन ट्विटर पर क्लिक करना, उसके बाद ऑटोमेटिक पोस्ट बन जाएगी, बस आपको ओनली ट्वीट करना है। ट्वीट करने के बाद बस ये जो आपने ट्वीट करा है ना, इस लिंक को करना है आपको कॉपी। अब जैसे कि मैं यहाँ पे शेयर का बटन पे क्लिक करके इस लिंक कर लेता हूँ कॉपी, कॉपी करें दोबारा, तो हमने मैं सेवर वाली वेबसाइट में उसके यहाँ पे मैं करता हूँ ट्वीट लिंक को पेस्ट, ठीक है। उसके यहाँ पे वेरीफाई ट्वीट पे क्लिक करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे 100 USDC यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 100 USDT यहाँ पे ले लेना है, तो यहाँ पे मैं 100 USDT भी ले लेता हूँ सेम तरीके से, लेकिन आपको ट्वीट करना है न्यू, ठीक है, न्यू ट्वीट करना, तो न्यू ट्वीट पे क्लिक करता हूँ। अलग अलग आपकी ट्रायल टोकन क्लेम आईडी अलग अलग आएगी, अलग अलग आएगी इसलिए, ठीक है। तो मैं कॉपी लिंक भी करता हूँ, उसके बाद दोबारा जाता हूँ इस वाली वेबसाइट में, उसके यहाँ पे करता हूँ मैं कंटिन्यू। करने के बाद बस आपके यहाँ पे दोनों USDC प्लस USDT प्लस सोल ऑलरेडी क्लेम हो चुके। अब आप क्या करना पड़ेगा, अब आपको यहाँ पे से बात सुन लो। अब आ जाना भाइयों आपको पूल्स वाले सेक्शन में, जस्ट स्वैप के बगल में आपको पूल्स वाला ऑप्शन दे जाएगा, तो यहाँ पे पूल्स वाले ऑप्शन में क्लिक करना। उसके बाद आपके पास है USDC और प्लस USDT, तो आपको USDC USDT के पूल्स में यहाँ पे कर देना। सबसे पहले आपको यहाँ पे अमाउंट कितना डालना है, यहाँ पे अमाउंट डालना है आपको 100 रुपये, जितना भी अमाउंट है ना 100 डाल दो, नहीं तो फिर एक कम डाल दो 900 डाल दो, ठीक है। उसके यहाँ पे मैं डिपॉजिट में यहाँ पे 100 डाल देता हूँ, 100 डालने और फिर यहाँ पे करता हूँ डिपॉजिट। डिपॉजिट करने के बाद मेरे पास एक कन्फर्मेशन आएगी, यहाँ पे टोटल डिपॉजिट हो रहा है आपका $200। यदि आपके $200 डिपॉजिट नहीं होता तो यहाँ पे 50-50 करके यहाँ पे कर लो, ठीक है। तो मैं अप्रूव पे करता हूँ, देखता हूँ मेरे यहाँ पे $200 यहाँ पे डिपॉजिट होते नहीं होते, तो जैसे कन्फर्मेशन हो गया तो यहाँ पे मेरे $200 लग गए, ठीक है। फर्स्ट आपको USDC में 200 लिखना है और आपको USDT में भी 100 लिखना है, ठीक है। तो उसके यहाँ पे आपका काम खत्म। उसके फिर आपको एक और वेबसाइट लिंक मिलेगी, ठीक है, तो उस वेबसाइट लिंक भी आपको टेलीग्राम पे दूंगा, जिसका नाम मैं दूंगा यहाँ पे आपको एंड स्टेक इन दिस, ठीक है, स्टेक के नाम से दूंगा। तो यहाँ पे लिंक करना कॉपी, उसके न्यू टैब में कर देना पेस्ट। पेस्ट करने आप यहाँ पे भी आपको करना पड़ेगा, ये जो आपको एयरड्रॉप मिलेगा ना, वो आपको एयरड्रॉप मिलेगा सनी वाले की तरफ से, लेकिन जो आपको काम करना है वो आपको दोनों से करना है। पहले करना है आपको सेवर वाले से, फिर करना है स्टे करना है आपको सनी वाले में, ठीक है। अब कैसे करना पड़ेगा, यहाँ पे कनेक्ट वर्ड पे करता हूँ, solid.io से मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर आपको आगे बताता हूँ। तो यहाँ पे मेरा वॉलेट हो चुका है करेंट, उसके नीचे नीचे जाता हूँ। नीचे नीचे जाने के बाद यहाँ पे मैं लिक्विडिटी ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है, जैसे कितने यहाँ पे आ रहा है, मेरा SLP आ रहा है यहाँ पे 197.65, ठीक है। उस यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ, उस यहाँ पे डिपॉजिट सेवर LP पे क्लिक करता हूँ, उसके मेरे पास एक कन्फर्मेशन आएगी। यदि कन्फर्मेशन डायरेक्ट आपके यहाँ पे पॉपअप नहीं आता है ना, तो डायरेक्ट आपको solid.io में जाके अप्रूव करा लेना है, ठीक है। तो हमें मेरा यहाँ पे लग चुका है यहाँ पे, उसे यहाँ पे थोड़ी देर वेट करता हूँ, थोड़ी देर वेट करने लग जाएगा। उसके मेरा APY ऑटोमेटिक, मतलब एक साल का APY है इसका 146%, ठीक है, उस हिसाब से मेरे बन जाएंगे। लेकिन ये देवनेट के टोकन है, आपको ये कुछ मतलब नहीं है इसे, बस आपको अभी तक इतना काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दो कन्फर्मेशन आएगी, तो मैं दूसरा कन्फर्मेशन जाता हूँ अप्रूव करता हूँ। अप्रूव कराने के बाद मेरा काम हो गया कहता हूँ, उसके यहाँ पे मेरे लग जाएंगे, उसके हमें ऑटोमेटिक यहाँ पे मेरी माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब क्या करना पड़ेगा, अब आपको करने के लिए सबसे पहले एक और बार इस वाली वेबसाइट को, सनी वाली वेबसाइट को यहाँ पे रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने और दोबारा अपना वॉलेट यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। एक बार रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे आपके में ऑप्शन आएगा क्लेम ऑल रिवार्ड, तो यहाँ पे क्लेम ऑल रिवार्ड पे आप चाहो तो आप एक मिनट बाद क्लिक कर सकते हो, चाहो तो आप एक घंटे बाद, चाहो तो दो दिन बाद, लेकिन आपको क्लेम करना है, मतलब आपको क्लेम करना है एयर ड्रॉप से पहले, जब ये मेननेट में लॉन्च होगा उससे पहले। चाहो तो मेरे हिसाब से आप भूल जाओगे, इसलिए बोल रहा हूँ जस्ट एक मिनट बाद ही क्लेम कर लेना, ठीक है, जिससे आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन यहाँ पे सक्सेसफुल यहाँ पे काउंट हो जाएगा, ठीक है। बस आपको अप्रूव पे कहते हैं, बस आप यहाँ पे दोबारा कन्फर्मेशन आएगी आपकी solid.io में, तो जाके यहाँ पे कन्फर्म करा देना। बस आपको इतना सा काम करना है वाले एयर ड्रॉप में, बस और कुछ करना। अब आती है फोर्थ एयर ड्रॉप की बारी। भाइयों फोर्थ वाले एयर ड्रॉप में मैं आपको दो चीज़ की अपडेट देने वाला हूँ। सबसे पहले मैं अपडेट देता हूँ ट्रेजर लैंड के बारे में से। आपको पता है ट्रेजर लैंड का मैंने एयर ड्रॉप बताया था आपको सबसे पहले, पहले तो मैंने आपको मतलब सबसे पहले बताया था मैंने जब लास्ट सेकंड या थर्ड वीडियो में, ठीक है। अब इसमें एक अपडेट आया, एक अपडेट क्या है, उन्होंने अनाउंसमेंट करी 22 अगस्त को। भाई इसमें क्या है, ये देखो आपको पता है कि भाई बहुत सारे एयर ड्रॉप ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे बोट भी होते हैं चाइनीज तरफ से। भाई उन बोट लाए थे, पता नहीं बहुत खतरनाक सिस्टम चलता है चाइनीज कंट्री में, बोट लाते ऑटोमेटिक अपना भी एयर ड्रॉप कर लेते हैं वो, ठीक है। अभी तो वो समझाऊंगा आपको बाद में, लेकिन आप छोड़ो। इसमें क्या इन्होंने क्या बोला है कि भाई इन्होंने मतलब बहुत सारे बोट यूजर होते हैं ना, जो रोबोट होते हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है इस वाले एयर ड्रॉप में मल्टीपल अकाउंट से, लाइक हम और जैसे कि चाइना वाले। तो इसलिए ये क्या लाए, इसलिए उन्होंने ये कहा कि आप 22 अगस्त से 27 अगस्त का आपका टाइम है, जब भी आपको एयर ड्रॉप के टोकन मिलेंगे आपको करना पड़ेगा HT UB टोकन या USDT डिपॉजिट। अब ऐसा इन्होंने कोई कंडीशन नहीं रखी, भाई आपको 10
डिपॉजिट करना पड़ेगा $1 या 0.5 या कुछ जितना चाहो ना, ₹1, ₹2, ₹70, जितना चाहो ना अपनी मर्जी से डिपॉजिट कर सकते हो, जिससे आपको यहाँ पे एलिजिबल हो जाओगे पार्टिसिपेंट। लेकिन आपको ये काम करना है 22 से 27 अगस्त के बीच में, आप कर दो आज ही कर दो, जिससे आपको $20, $50, $100, $150 के टोकन यहाँ मिल जाए। जितने अकाउंट से आपने करा था ना, सब अकाउंट में आप 0.01 ST या 0.02 ST यहाँ पे डिपॉजिट कर दो। अब कैसे डिपॉजिट करना है मैं आपको बताता हूँ, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगा इसका 28 अगस्त का। बहुत सारे यूजर ये बोल रहे हैं भाई ये फेक एयर ड्रॉप है, अभी फेक एयर ड्रॉप नहीं है, 99% रियल एयर ड्रॉप है, ऑलरेडी ऑडिट बाय सर्टिक है, ऑलरेडी बहुत सारी मैं आपको इसका अपडेट दे चुका भाई, अच्छा प्रोजेक्ट है ठीक है, लेकिन फेक नहीं है ठीक है। और इसमें कैसे करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे पहले करनी पड़ेगी लिंक पे क्लिक। कैसे करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे आपको दो लिंक दे रखे, तो कोई सी लिंक पे कॉपी करना, कोई सी लिंक पे कॉपी करना, दोबारा जाना अपने यहाँ पे जहाँ से आपने करा था, जैसे टोकन पॉकेट से आपने करा था, यहाँ पे टोकन पॉकेट में आ जाना, टोकन पॉकेट में आने यहाँ पे अपने डेब ब्राउजर में यहाँ पे आ जाना। जैसे मैं डिस्कवर में जाता हूँ, डिस्कवर में आने के बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ लिंकों को पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कनेक्ट कर लेना है आपको हैको वॉलेट से ठीक है, ऑलरेडी ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। यदि आपका ऑटोमेटिक कनेक्ट नहीं होता है ना, तो यहाँ पे आपको कनेक्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। अब कैसे क्लिक करना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे कि आपको क्लिक करना पड़ेगा हमें वॉलेट पर ठीक है, ऑलरेडी आपको ऑटोमेटिक कनेक्ट होगा, इसे यहाँ पे ऑटोमेटिक कनेक्ट हो चुका, उसके हमें बहुत सारे यहाँ पे टोकन आ रहे होंगे ठीक है। तो हमको करना है HT और USDT में, तो भाई HT बिल्कुल सिंपल है, USDT का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सबने जो भी आपने एयर ड्रॉप ज्वाइन किया था ना, वो आपने HT टोकन थोड़ा डिपॉजिट करके कराया होगा ठीक है। तो आपके थोड़े बहुत HT टोकन बच गए होंगे, ₹1, ₹2 के, लाइक $1 के, जितने आप डिपॉजिट करें, तो उस हिसाब से। अब कैसे करना है, HT पे क्लिक करना है, HT पे क्लिक करना, डिपॉजिट पे क्लिक करना है। मेरा यहाँ पे डिपॉजिट मतलब वॉलेट बैलेंस है 0.0022 ठीक है, तो हमें मैं 0.0022 भी कर सकता हूँ यहाँ पे। आप चाहो तो देखो, मेरे हिसाब से ज़्यादा टोकन डिपॉजिट नहीं करना, लेकिन इसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है कि ज़्यादा टोकन डिपॉजिट करोगे तो उस हिसाब से टोकन मिलेंगे। बस आप चाहो तो ₹1-2 या मैक्सिमम ₹10 से ₹20 के बीच में डिपॉजिट कर देना अपने HT ठीक है। HT कहाँ से लेना है ऑलरेडी बता चुका हूँ, FTX Pro से। वैसे ऑलरेडी 99% के पास ऑलरेडी HT पड़े होंगे आपके टोकन पॉकेट में, क्योंकि आपने एयर ड्रॉप उसी से ज्वाइन किया होगा ठीक है। तो जितने बच्चे ना यहाँ पे डिपॉजिट करता हूँ, जैसे मैं सारे डिपॉजिट करता हूँ, उसके यहाँ पे मेरे एक कन्फर्मेशन आएगी, एक कन्फर्मेशन आने के बाद यहाँ पे मैं अप्रूव कर लेता हूँ। ऐसे यहाँ पे शायद मेरे हिसाब से पैसे में डिपॉजिट होंगे, तो हमें थोड़ा सा ऐसे यहाँ पे 0.022 है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐड करके यहाँ पे डिपॉजिट अमाउंट लिख दूंगा 0.01 या 0.02, तो उसके यहाँ पे डिपॉजिट पे क्लिक कर दूंगा, उसके एक कन्फर्मेशन आएगी, पासवर्ड कन्फर्म करा लूंगा, बस आपका काम हो गया खत्म, और कुछ नहीं करना आपको। 4th के 1st एयरड्रॉप में इतना अपडेट देना था। अब आती सेकेंड एयरड्रॉप के अपडेट की बारी। सेकेंड एयर ड्रॉप के बहुत सारे यूजर बोल रहे हैं मेरी NFT सेल हो गई है, अब पैसे मैं कैसे विड्रॉ करूं, वो क्या करूं। अब जैसे मैं आपको बताता हूं, यही NFT सेल करने के लिए आपको चाहिए, NFT सेल आपकी हो जाएगी, इजीली हो जाएगी, लेकिन जिसने ज़्यादा रुपए में लगाई है, मतलब ज़्यादा डॉलर में लिस्ट करी है ना, उनकी NFT में होने में टाइम लगेगा, लाइक 1-2 महीने जब हाइप क्रिएट होगी जब ठीक है। अब मैं बताता हूं, जिसने NFT सेल कर दी अपनी $2 में, $5 में, $10, $20, $50 में ना, उनको बस कैसे विड्रॉ होंगे मैं आपको बताता हूं। विड्रॉ करने के लिए आपको चाहिए होगी $60 की Ethereum की पीस। अब क्यों चाहिए, क्योंकि इसमें ब्रिज है, क्योंकि आपको जो आप मेन नेट में शायद कुछ इसका मेन नेट है, तो उस आपको मेन नेट करना पड़ेगा, आपके Ethereum के मेन नेट में कन्वर्ट करने पड़ेंगे आपको टोकन, और दोनों जब आप ब्रिज में कन्वर्ट करोगे ना, इसके ब्रिज से, इसके नेटवर्क से Ethereum मेन नेट में, तो आपके यहाँ पे $60 की फीस लगेगी। तो भाई इसलिए आपको अभी कोई मत करो, क्योंकि भाई 5-10 जन है जिसकी NFT $500-$800 में सेल हुई है, लेकिन जो कम डॉलर में सेल हुई है $50-$100 में, उनका कोई मतलब नहीं है। अब क्या करना पड़ेगा इसके लिए, अब आप वेट करो 1 महीने 20-25 दिन, जिससे ये एक लॉन्च करेंगे वॉलेट, जिसमें आप इजीली ट्रांसफर करते हो कम फीस में, लाइक ₹1, 5 रुपए, ₹10 के फीस में ठीक है। बस अभी तो आप लिस्ट पे कर दो, जैसे आप सेल हो गए ना NFT, तो बस आप वेट करो। अब मैं आपको विड्रॉ प्रोसेस, आपको जब ये न्यू वॉलेट लॉन्च करते हैं ना, न्यू सिस्टम लॉन्च करते हैं नेटवर्क वाला, जिसमें कम फीस लगती है ना, तो मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको विड्रॉ करना है अपने बाइनेंस में, सिंपल है ठीक है। तो बस 4th एयरड्रॉप में जाना था, बस 5th एयरड्रॉप की बारी। भाइयों 5th एयरड्रॉप की 1st एयरड्रॉप लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा, टेलीग्राम पे दूंगा, तो लिंक करना कॉपी इस पे, उसके बाद इस वाले पेज पर जाओगे ठीक है। अब ये एयरड्रॉप से पता है कि मैंने 1st आइडिया को बताया था आपका क्रोफर फाइनेंस का, वो देखता भाई कितना एक्स करता है। अब मैं आपको 2nd आइडिया बताने वाला हूँ सोलिस्टर का, जैसे कि आपको पता है, यदि देखो मैं आपको थोड़ा, चलो उसको छोड़ो, मैं वीडियो लाऊंगा 4th या 5th सीरीज चाहिएगी, IDO क्या होता है वो मैं आपको कल प्रिडिक्स बताऊंगा, अभी आपको वीडियो चाहिए नहीं चाहिए, जब आप पोल कर देना बता देना ठीक है। तो अभी तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले
वाले पेज पर आओगे, सबसे पहले व्हाइट लिस्ट फॉर्म पर क्लिक करना। व्हाइट लिस्ट फॉर्म पर क्लिक करेंगे, इस वाले पेज पर आप आ जाओगे। इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर व्हाइट लिस्ट, आप यहाँ पर और भी डिटेल पढ़ना चाहते हो ना तो इसके आर्टिकल वाले पेज पर जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। अब मैं सब मेन चीज़ बताता हूँ, कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पे कैप्चा आएगा तो कैप्चा फिल करना, उसके यहाँ पर लोडिंग गेव पर क्लिक करा, ई मेल आईडी डालना, उसके यहाँ पर जो ही पूछेगा तो वहाँ पर एंटर करना। उसके यहाँ पर 3 से 4 टास्क आपको करना है, 3 से 4 टास्क कैसे करना है, यहाँ पर फॉलो करना, कर लोगे, सिंपल है। ये 4 से 5 टास्क है ना, ये बिल्कुल सिंपल है। उसके यहाँ पूछ रहा है प्लीज शेयर योर सोलाना वॉलेट एड्रेस, मतलब आपको सोलाना वॉलेट एड्रेस शेयर करना है solid.io से मेन नेट का, ठीक है, ना कि देव नेट का कहीं शेयर कर दो, ठीक है। तो हमें मेन नेट यहाँ पर शेयर कर देना। उसके बाद यहाँ पूछेगा भाई हाउ मच USDC आर गोइंग टू, मतलब कितने USDC आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, ठीक है। तो लिख देना 50, 100, अभी तो कुछ भी लिख देना उल्टा सीधा तुक्के में लगा के, ठीक है। लेकिन इससे क्या प्रॉफिट होगा, यदि आप ज़्यादा टोकन लोगे ना, ऐसे कि $1,000 सॉरी इसमें शायद लोकेशन 100 या $1,000 करीब है, शायद आप आर्टिकल जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यदि आप $500 लिखोगे ना तो फिर आपके चांस ज़्यादा है कि भाई आपका नंबर आ सके, ठीक है। तो बस अभी तो आप इतना करना, जिससे आपका अभी तो आगे बता दूंगा, बस आपको अभी तो इतना पार्टिसिपेट करना है। तो 5th के 1st में इतना था, बाकी 2nd एयर ड्रॉप की बारी 5th के 2nd। भाइयों 5th के 2nd एयर ड्रॉप की लिंक भी ऑफिशियल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, 10 MP दूंगा। तो सबसे पहले इस वाले पेज पर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये बोल रहे हैं रिट्यूट दिस फॉर 10 ANSR टोकन, मतलब 10 ANSR की वैल्यू बता रहे हैं, 50 XL है, मतलब $15 से $20 के अप्रोक्स, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, रिप्लाई विद योर स्टेलर वॉलेट एड्रेस, दिस एयरड्रॉप इज एक्टिव अंटिल 15 सेप्टेम्बर, लेकिन बोल रहे हैं 15 सेप्टेम्बर चलेगा, लेकिन देखो कभी भी ओवर हो सकते हैं, यदि ज़्यादा एंट्रीज आ गई, ज़्यादा एयरड्रॉप हो गया तो भाई कभी भी ओवर कर सकते हैं। वैसे ऑलरेडी 7 से 10 लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है, ठीक है, प्लस बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया। अब कैसे अर्निंग करनी, सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, इसके लिए डाउनलोड करना पड़ेगा आपको स्टेलर का वॉलेट का अकाउंट। अब इसमें से बहुत सारे लोगों के पास ऑलरेडी होगा, बहुत सारे के पास नहीं भी होगा, ठीक है। तो भाई डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद फिर मैं आपको न्यू यूजर की प्रोसेस बताता हूँ। डाउनलोड करने के बाद उसको ओपन करना, ओपन करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा ईमेल एड्रेस का, यदि आपके पास अकाउंट है तो ऑलरेडी यहाँ पे साइन इन कर लेना, यदि आपके पास ऑलरेडी अकाउंट नहीं है तो क्रिएट अकाउंट पर करना, उसके बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना, ईमेल एड्रेस यहाँ पे कंटिन्यू में क्लिक करना, उस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड यहाँ पे डाल देता हूँ मैं। तो भाई जैसे मैं रजिस्ट्रेशन करें, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके मैं यहाँ पे आपके वेरीफाई ईमेल को ऑप्शन होता है, मैं अपना ईमेल करा देना वेरीफाई, ईमेल वेरीफाई करना यहाँ पे आपको करना पड़ेगा साइन इन पे क्लिक, साइन इन पे क्लिक करें फिर आपके में मतलब आपके में बैकअप की रिस्टोर करने का ऑप्शन आएगा, मतलब आपको एक वॉलेट क्रिएट करना पड़ेगा। तो हमें क्रिएट स्टेलर वॉलेट पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद आई अंडरस्टैंड में क्लिक करता हूँ, उसके बाद मेरी 12 वर्ड्स की सीड फ्रेज आएगी, उसको यहाँ पे कर लेता हूँ आई में सेव। उसका नंबर वाइज जमाना है, फर्स्ट नंबर पर कौन सा था, सेकंड पर कौन सा था, सेम टू सेम ट्रस्ट वर्ड जैसे, मैं सब चीज़ कर लेता हूँ फिर आपको आगे बताता हूँ। जैसी भाई मैंने अपनी फ्रेज की यहाँ पे सही तरह जमा लिया, उसके यहाँ पे एक वॉलेट मतलब एक नाम क्रिएट करने को बोलेगा, कोई भी यूनिक से यहाँ पे नाम डाल देना, उसका सेट फेडरेशन एड्रेस पे करना, उसका बस आपका अकाउंट यहाँ पे हो जाएगा क्रिएट। अब आपको क्या काम करना है, अब आपको यहाँ से काम करना है, सबसे पहले यहाँ पे 3 लाइन पे करना, 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके ऑप्शन आएगा एसेट, मतलब यहाँ पे एसेट का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे एसेट्स पे क्लिक करना, उसके यहाँ पे ऐड एसेट पे करना, ऐड एसेट पे क्लिक करने के बाद मैं आपको यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट एड्रेस दूंगा, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट एड्रेस को यहाँ पे करना पेस्ट। तो भाइयों जैसे मैं अपना कॉन्टैक्ट एड्रेस यहाँ पे कर लिया, कॉपी करें यहाँ पे मैं करता हूँ पेस्ट, पेस्ट करने के बाद यहाँ पे ऐड करना, ऐड करने के बाद यहाँ पे आपके में ऑप्शन आएगा ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे 5 XLM चाहिए होती है जब आप एक्टिवेट करोगे अपना अकाउंट। तो भाई 5 XLM की फीस नहीं लगेगी, ओनली आपको 5 XLM यहाँ पे अपने अकाउंट में रखना है। 5 XLM कहाँ से मिलेंगे, 5 XLM की वैल्यू शायद $2 से $3 के अप्रोक्स है भाई, बहुत ईजी है। अब कैसे करना पड़ेगा, XLM को कैसे लेने पड़ेंगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे करना पड़ेगा रिसीप पे, रिसीप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको स्टेलर का एड्रेस आएगा, स्टेलर एड्रेस पे करना, उसके यहाँ पे आपका एक एड्रेस आ रहा होगा, यहाँ पे लिख रहा है नीचे नो मेमो रिक्वायर्ड। यदि आप अपने XLM विड्रॉ करोगे ना किसी एक्सचेंज से, लाइक बजीरेक्स हो गया, ट्रस्ट वेट हो गया, तो आपको यहाँ पे माई मेमो चाहिए होती है, मेमो के बिना यहाँ पे विड्रॉ नहीं होगा। तो भाई आपको मैं एक एक्सचेंज ऐसी बताता हूँ जिसमें मेमो की जरूरत नहीं होती, यहाँ पे लिखाएगा नो मेमो, तो नो मेमो पे क्लिक कर देना। इसका नाम है gate.io, इसमें फीस भी आपकी बहुत मायने लगी, प्लस मिनिमम विड्रॉ भी बहुत कम है आपका। तो भाई XLM आपको ले लेने gate.io से, यहाँ पे आप डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले लो इसके एड्रेस का, नहीं तो फिर अपना एड्रेस कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर दो नो मेमो के साथ, तो फिर आपके XLM यहाँ पे आ जाएंगे $2 से $3। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको कर लेना है यहाँ पे ऐड कॉन्टैक्ट एड्रेस, ऐड कॉन्टैक्ट एड्रेस कैसे करना है, सिंपल है, ऐड कॉन्टैक्ट एड्रेस यहाँ पे करना है, एसेट में जाना, लेने के बाद XLM लेने के बाद करना है ये काम, ठीक है। उसके यहाँ पे आपको ऐड एसेट पे करना, उसके यहाँ पे कर देना पेस्ट, उसके बाद ऐड पे आएगा, ऐड का ऑप्शन आएगा लाइक दिस, उसके बाद ऐड करना, बस आपका यहाँ पे हो गया काम खत्म। उसका मेन चीज़ आती है यहाँ पे, मेन चीज़ दोबारा क्या करनी है, रिसीप पे करना,
करना है ऐड कॉन्टेक्ट एड्रेस का, इसी पे करना, उसका स्टिलर एड्रेस पे करना, उसका ये आपका कॉपी आना एड्रेस, इस एड्रेस करना है यहाँ पे कॉपी एड्रेस। यहाँ पे कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपकी जो ऑफिसियल लिंक मैंने दी है ना, आपको ऑफिसियल लिंक दी है उसको यहाँ पे कर देना कोड ट्यूट के साथ, 2 से 3 मिनट के साथ, अच्छा प्रोजेक्ट, नाइस प्रोजेक्ट, अभी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, ऐसे लिख के जैसे कि उन्होंने लिखा है इसके हिसाब से। उसके बाद बस आपको यहाँ पे अपना एड्रेस कर देना पेस्ट, बस आपको ये काम करना है मेंटरी कोड ट्यूट कर देना, बस आपका काम खत्म। बस आपको 15 से 20 के टोकन मिल जाएंगे पर अकाउंट, जितने अकाउंट से आप करोगे, ठीक है। बस 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 फिफ्थ एयरड्रॉप में आती है सिक्स्थ एयरड्रॉप की बारी। भाई सिक्स के फर्स्ट एयर ड्रॉप के लिंक में टेलीग्राम मिलेंगे, तो सबसे पहले इस वाले पेज पे आओगे ना, सबसे पहले यहाँ पे आपका नेम डाल देना, उसके यहाँ एंटर ईमेल डाल देना, उसके अपना मोबाइल नंबर, उसके यहाँ पूछा व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्लॉकचेन ऑन स्केल, मतलब कितना, मतलब ब्लॉकचेन के बारे में आप कितना जानते हो, तो यहाँ पे 5, 6, 7, 8, 9, 10 लिख देना, 10 तो लिखना है मत, 7, 8 लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पे 8 लिखता हूँ, उसके बाद डिस्क्राइब यू बेस्ट, मतलब कौन सी फील्ड में आप अच्छे डिस्क्राइब कर सकते हो, स्टूडेंट इन टेक फील्ड, तो मैं लिखता हूँ। उसके यहाँ पूछ रहा है कि सेलेक्ट एंड, मतलब डू यू हैव नॉलेज ऑफ पॉलीगॉन प्रीवियसली मैटिक अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, भाई आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है नहीं है, तो यहाँ पे जो भी लिखना चाहते हो यस नो लिख देते हो। उसके यहाँ पे लेट मी इन पे करना, बस आपका काम खत्म, और कुछ नहीं करना। यदि आप तीन महीने को टैग कर दोगे तो फिर आप अर्ली एक्सेस में ज्वाइन हो जाओगे, आपके यहाँ पर रेफर लिंक आएगी साइन अप करने के बाद, तो भाई तीन महीने को रेफर कर देना, बायपास सिंपल है बताऊंगा नहीं, उसके बाद आपकी ज़्यादा अर्ली एक्सेस में जल्दी ज्वाइन हो जाओगे, प्लस आपको यहाँ पे रिवार्ड मिलेगा, ठीक है। तो बस आपको किसी को नहीं पता ज्वाइन करने, तो बस सिक्स के फर्स्ट में इतना था, बाकी सिक्स के सेकंड की बारी। भाइयों सिक्स के सेकंड की एयर ड्रॉप की लिंक भी आपको टेलीग्राम पे दूंगा, सबसे पहले इस वाले पेज पर ये एयर ड्रॉप चलने वाला है 31 तारीख तक, एयर ड्रॉप आया था 17 को। भाई इसमें क्या करना पड़ेगा, ये भी वाइट लिस्ट निकालना है, बट बस आपको वाइट लिस्ट में भी अप्लाई करना है, बस आपको यहाँ पर टास्क कर देना है। यदि आप रेफर करना चाहते हो तो रेफर कर सकते हो, रेफर करने का चांस है क्या होगा, रेफर के चांस है आपके यहाँ वाइट लिस्ट में नंबर जल्दी आ सकता है, प्लस आपके नंबर जल्दी आने का चांस है, ठीक है, मतलब नंबर आने का चांस है, ठीक है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, सारे टास्क कम्प्लीट कर लोगे, सिंपल है, ठीक है। तो मेन चीज़ बताओ, मेन चीज़ में क्या डालना है, सबसे पहले मेन चीज़ है हमारी ARC20 एड्रेस, ये आपको डालना है ट्रस्ट वॉलेट से इथेरियम का एड्रेस, ठीक है। तो उसके हम ईमेल एड्रेस में डालना है, ईमेल एड्रेस में अपनी अच्छी ईमेल डाल देना मेन अकाउंट के, ठीक है। तो बस सिक्स के सेकंड में इतना था, बाकी सेवंथ एयर ड्रॉप, सेवंथ एयर ड्रॉप मैं आपको हर बार की तरह बताने वाला हूँ CMC का। CMC के में बहुत सारे लोग यार मिस कर जाते हैं, सोचते हैं 2000 लोगों के लिए 3000 लोगों के लिए क्या करें, तो भाई आप ऐसा मत करे करो भाई, देखा पता है कि का एयर ड्रॉप निकला था और बहुत सारे निकले थे, भाई कर लिया करो जो यार पता नहीं कब किस में नंबर आए। देखो ये तो मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन इसमें एक और एयर ड्रॉप न्यू है जो बहुत सारे जनों को दे रहा है, जिसका नाम है क्रूसेप, क्रूसेप दे रहा है 10,000 यूज़र को, टोटल विनर मिलेंगे, टोटल विनर बनेंगे 10,000। भाई सब जने ज्वाइन करना, अभी तो यहाँ पे 1,00,000 ही कहता ज्वाइन हो, यदि आप 5-10 आई डी ज्वाइन करते हो तो भाई इजीली आपका नंबर आने के ज़्यादा चांस है, ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो बस सेवन थे हो जाता, बस इसमें तो जो वीडियो अच्छी लगे भी लाइक कर देना, लाइक कर देना यार, 1800 मतलब मोटिवेशन देती हूँ कि यार थकते, मतलब बोलते बोलते यार मेरा मुँह थक गया, गला सा बैठ रहा, ठीक है, अजीब सी आवाज़ आ रही होगी, ठीक है। तो बस इसमें था, और हमारा टीम जो है जिसका नाम है L-OOT, ना कि LOOT, L-OOT, और सही से जॉइन हो जाना, इसका इसमें सब्सक्राइबर है अभी 38,071, ठीक है। तो बस इसमें था, थैंक यू।